तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स। मेरा नाम है सौरभ साहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं कोई भी कॉम्पोजिशन ड्राइंग फॉर योर BFA एग्जामिनेशन फ्रॉम योर माइंड और इमेजिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रफ कॉम्पोजिशन स्केच बनानी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी हम जो कॉम्पोजिशन मेन ड्राइंग में बनाएंगे उसके लिए हम क्या क्या यूज करें। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक चूज करते हैं, तो सबसे जो कॉमन टॉपिक होता है जो कि टी स्टॉल, उसे हम आज चूज करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमें सोचना है कि हमें क्या क्या बनाना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि कितने कैरेक्टर्स होंगे, और क्योंकि इन एग्जामों में 2 से 3 ह्यूमंस काफी होते हैं, तो उससे ज्यादा हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, ताकि हमारा जो फिगर्स हम बनाए वो अच्छे रहे और कलर्स अच्छे रहे, ना कि क्वांटिटी ऑफ फिगर्स ज्यादा हो। तो 3 से ज्यादा हम ह्यूमंस नहीं बनाएंगे, जिसमें 1 जो मेन फोकस रहेगा फिगर के ऊपर, और जो दूसरा होगा वो सेकेंडरी फोकस रहेगा, और तीसरा वाला ब्लर्ड आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हमें एक स्टोरी बनानी है कॉम्पोजिशन के लिए कि क्या हो रहा होगा। तो क्योंकि ये टी शॉप है, तो इसमें मैं बनाऊंगा एक चाय वाला तो होनी चाहिए, तो एक चाय वाला यानी कि जो कि चाय पोर कर रहा होगा किसी केटली से। तो ये हमारा मेन सेंट्रल कैरेक्टर होगा। ऐसे आप कोई भी सेंट्रल कैरेक्टर चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और उसके साथ साथ चाय की दुकान पे और 2 लोग होंगे, 2 पीपल्स, जिसमें से एक आदमी सेंटर में रहेगा, मतलब जो सेकेंडरी फोकस, और जो तीसरा आदमी होगा वो टर्शियरी फोकस यानी कि ऑलमोस्ट ब्लर्ड आउट लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो इसी तरह से हमारा टोटल कॉम्पोजिशन बनाना है। क्योंकि मेल बनाना ज्यादा आसान है फीमेल से, तो हम 2 कैरेक्टर्स को मेल बनाएंगे और फीमेल 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें वैरायटी भी चाहिए, 2 मेल 1 फीमेल। क्योंकि मेल बनाना आसान होता है, तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा चाय वाले का वो मेल होगा, सेकंड कैरेक्टर जो कि सेकेंडरी फोकस होगा वो फीमेल, और टर्शरी वाला जो होगा वो भी एक मेल होगा। इसी तरह से हमने अपना पूरा एक माइंड मैप बना लिया कि हमने क्या क्या बनाना है। तो उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हम जो अपने पेपर में बनाएंगे वो लैंडस्केपिंग फॉर्म में होगा या वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होगा। दोनों ही हमें ट्राई करना बहुत जरूरी है कि ये हम लैंडस्केपिक वे में बनाएंगे कि पोर्ट्रेटिक वे में बनाएंगे, क्योंकि इसी से हमारा जो पूरा एक कॉम्पोजिशन आएगा वो अच्छे से सेटअप हो पाएगा। तो इसके बाद हमें एक ब्लॉकिंग कर लेना है कि हम क्या क्या प्लेस करेंगे इस पूरे ड्राइंग में। तो क्योंकि ये चाय के ठेले का सीन है, आप आउटडोर सीन भी दिखा सकते हैं और इंडोर सीन भी दिखा सकते हैं, और क्योंकि एक चाय की दुकान का सीन है, तो मैं प्रिफर करूंगा कि इसमें थोड़ा सा आसानी हो, इसलिए हम इंडोर सीन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉकिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम रूल ऑफ थर्ड्स का यूज करेंगे, और जो अपना सेंट्रल फोकस पॉइंट होगा वो इन 4 डॉट्स में से किसी एक में होगा। तो उसके बाद हमें जो अपना स्पेस है उसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम इधर एक पिलर लगा देते हैं, जो कि हमारे जो डिवीजन है उसको स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद चाय वाले जो मेन फोकस है हमारा, उसका टाइम है। तो इस ड्राइंग में हमें रफली बस उसका एक ब्लॉकिंग करना है, ताकि समझ में आ जाए वो कहाँ है। बस हमें उसका कोई फिगर नहीं बनाना, बस ब्लॉक इन करना। तो उसके लिए सर्कुलर हेड, और वो क्या कर रहा है
चाय को पोर कर रहे हैं। इधर उसके हाथ में केतली होगी, चाय को पोर कर रहा होगा। इधर कुछ और एलिमेंट्स, केतली, चाय का तवा, कुछ भी हो सकता है। साथ साथ उसके बाद इधर एक पर्सन जो कि वो ले रहा है, एक फीमेल हमने सोचा था कि हम बनाएंगे ऐसे, और उसके पीछे एक ब्लर्ड आउट मैन। उसके बाद हमें देखना है कि डार्क्स और लाइट्स किधर होंगे, क्योंकि ये चाय वाला और ये पीछे का सीन है, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये डार्क होना चाहिए। ये वाला इसके भी बैकग्राउंड डार्क होने चाहिए, ये हल्का सा डार्क होते होते लाइट ग्रेडियंट आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारे मेन फिगर्स है वो पॉप आउट होंगे। उसके बाद ये तो रहा हमारा जो लैंडस्केपिंग व्यू है, इसमें क्या दिख रहा है हमें कि इन दोनों पे फोकस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर खाली स्पेस काफी दिख रहा है जिसको भी भरने में हमें टाइम लग सकता है। तो उसके बाद हमें पोर्ट्रेटिक वे में देखना है, इसमें भी हम रूल ऑफ थर्ड्स का यूज करके यहाँ पर ही अपना जो मेन फोकस है प्लेस करेंगे इस 4 पॉइंट में। उसके बाद ए वाले लाइन पे एक पिलर बना देते हैं, सेम पिलर। उसके बाद यहाँ पर जो कंटिन्यूएशन है जिसके ऊपर वो चाय वाला बैठा है उसको बना देते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा चाय वाला मेन कैरेक्टर जो कि चाय पोर कर रहा, बस हल्का सा इसका ब्लॉकिंग शेप देखना। ये रहा एक और केटली, एक से ज्यादा केटली बनाने से अच्छा होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। उसके बाद ये रहा जो आदमी है, स्किल ऐसे करके थोड़ा नीचे आना चाहिए था, इसमें मिस्टेक्स होने दीजिए। के साथ साथ ये सेकेंडरी टर्शरी आदमी, ठीक है। इसके बाद डार्क्स को प्लेस कर लेते हैं, डार्क्स को प्लेस करने के लिए कोई और डार्क पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 8B 10B का। इस तरह से ये कॉम्पोजिशन भी ऑलमोस्ट हो गया। तो हमें क्या लग रहा है कि ये दोनों ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला कॉम्पोजिशन बेटर होगा, क्योंकि इसमें जो फिगर्स पे हम पूरा फिगर अच्छे से बना पाएंगे, इसमें कट हो जाएगा फिगर, और उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स है जो कि टाइम कंज्यूमिंग और यूजलेस होते हैं वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये वाला चूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इस स्पेस में हम उसी कॉम्पोजिशन को एक बार बड़ा करके अच्छे से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रफली बस एक A4 साइज शीट का व्यू बना, उसके बाद हमें जो हमारे पॉइंट्स थे उसको सर्च करना, मोस्ट इधर इधर, ठीक है, या फिर इधर इधर कहीं भी। उसके बाद हल्का पेंसिल लेके बस ब्लॉक इन करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर जो सेंट्रल डिवीजन है बाद ये रहा जो हमारा मेन पॉइंट होगा, इस रूल ऑफ थर्ड्स का यूज करके, यूजिंग
रूल ऑफ थर्ड्स, इसी जगह पर हम इसका फेस प्लेस कर देंगे। ठीक है, वो नीचे की तरफ देख रहा होगा, बाल भी थोड़े बहुत बना देते हैं। उसके बाद इसका जो मेन फिगर क्या कर रहा होगा, पोर कर रहा होगा चाय, हैंड की पोजीशन ऐसी कर देते हैं, हैंड में एक हैंडल से झूला हुआ केटली। ठीक है, बस रफली शेप इन कर देते हैं। और उसके बाद उसका पूरे बॉडी का पोजीशन कैसा होगा, हाथ का पोजीशन ऐसा होगा, बॉडी का पोजीशन ऐसे बेंड हुआ, और क्योंकि वो बैठा हुआ है और रिलैक्स पोजीशन पे बनाना है तो पैर उसके ऐसे बेंड होंगे और उसके कपड़ों में सिलवटे अच्छे से दिख रही होगी। और इधर एक और बड़ी सी केटली इधर से ड्रॉप किया जाए और इधर एक और बड़ी सी केटली बना देते हैं। कुछ और इंटरेस्ट ऐड करने के लिए ठीक है, ये हो गया हमारा जो मेन सीन। तो देखिए यहाँ पर हम एक कुछ रखने की जगह जिसमें वो कुछ और भी बिल्ड सके वो बना देते हैं, क्योंकि अगर जब हम इसको डार्क करेंगे पूरे सीन को तो ये पार्ट इसके फेस को हाईलाइट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये पार्ट पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो सेकेंडरी कैरेक्टर आता है, ये इसकी कुछ आर्किटेक्चुरल डिटेल्स, के बाद ये रहा जो सेकेंडरी कैरेक्टर आता है, क्योंकि ये खड़ा है तो ऑलमोस्ट सेम ही पोजीशन पाएगा, तो ये रहा। और ये रहा हमारा टर्शरी कैरेक्टर, ठीक है। तो ऐसे हमारा पूरा सीन कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छे से सीन को एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं, अच्छे से बना देते हैं। पर लाइट एंड शेड भी हम देख लेते हैं।
ये हमारा जो एक रफ जो कंपोजिशन है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद हमारा जो मेन स्टेप आता है ड्राइंग का, तो ये स्टेप आप 10-15 मिनट यूज करके कर सकते, या तो अपने माइंड में ही बना सकते ये सारे पिक्चर्स, या तो प्रैक्टिस के लिए तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमें एक पूरा एक दिमाग में बैठ जाता है कि हमें क्या बनाना है, ताकि जब हम बनाने लगे तो ज्यादा मिस्टेक्स ना करें। तो इसी ड्राइंग को अभी हम बनाएंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है ड्राइंग स्टेज। तो दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कॉम्पोजिशन था वो हमने फिगर आउट कर लिया है और पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी है हमारे ड्राइंग के बनाने के लिए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो की है जो एक्चुअल ड्राइंग है उसको पूरे अच्छे से और सारे प्रोपोर्शंस का ध्यान रखते हुए ह्यूमन फिगर्स और जो उसका बैकग्राउंड एरिया है उसको बनाना। तो उसके लिए हम बस अपने जो पुराना रफ स्केच था उसको ही रेफरेंस की तरह यूज़ करके और अपनी थोड़ी सी स्किल्स को यूज़ करके बाकी जो काम है वो कर लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा जो स्केच था इनिशियल वो रेडी है और हम रेडी है कलरिंग के लिए, तो मैंने अपने जो पेपर है उसको थोड़ा सा क्रॉप किया और अपने टेबल पे पेस्ट कर दिया, ताकि हमें एक अच्छा बॉर्डर मिल पाए और हमारा जो पेपर है वो स्टेबल रह पाए। और मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन के आर्टिस्ट वाटर कलर, तो और एक पे जो पेपर है वो काफ़ी नॉर्मल सा पेपर है, क्योंकि हमें पता नहीं कि जो कंपटीशन है या फिर जो एग्ज़ाम है उसमें हमें कौन सा पेपर मिलेगा, आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर पेपर मिलेगा भी कि नहीं, इसलिए हम बस एक नॉर्मल सा वाटर कलर पेपर जो कि वाटर कलर को बस होल्ड कर पाए उतना हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारी कोई लिमिटेशंस ना हो। तो इसी तरह से हमने जो टेक्निक्स है उसका यूज़ करके वाश टेक्निक का बेसिकली यूज़ करके पूरे ड्राइंग में कलर कर ली है। तो किसी और वीडियो में मैं आपको कलरिंग के ऊपर भी पूरा एक अच्छा और डिटेल ट्यूटोरियल बता दूंगा, लेकिन ये ड्राइंग ये जो ट्यूटोरियल था ये बस कॉम्पोजिशन कैसे हम बनाते हैं और कैसे हम बस जो मेन पार्ट है वो फिगर आउट करते हैं, क्योंकि कलर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी कॉम्पोजिशन को स्ट्रॉन्ग रखें और जो हमारे बैकग्राउंड में चल रही है और उसका रिलेशन हमारे फोरग्राउंड से या फिगर्स से, जो कि मेन जज होती है फिगर्स और जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद कलरिंग आती है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं अभी कर रहा हूँ इसमें, लेकिन ये सेकंड स्टेप है। पहले हमें कॉम्पोजिशन को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, उसके बाद हम फिगरिंग पे फिगर के कलर्स और बाकी पूरे डिटेल्स उसको बनाने में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही
तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप बना सकते हैं कोई भी कॉम्पोजिशन फ्रॉम योर इमेजिनेशन वेरी इजीली एंड इन एन इफेक्टिव वे। तो इसके बाद ऐसी और कई कॉम्पिटिशन की वीडियोस आएंगी कॉम्पोजिशन के ऊपर और टाइम लैप्स वीडियोस भी, जिसको आप रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से पार्ट अच्छे नहीं लगे और क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।